लिंक भेज दीजिए। Start from the second passage. Now very few students are attended, but sorry, I started somewhere from where we have to teach. Sorry, I started somewhere and then my voice is audible. Globingly means facingly, it's a circle.
greenery. करते हुए नहीं 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 मीनिंग वर्ड मीनिंग दो तीन बस बता रहे हैं, लेसन को आगे बढ़ाएंगे. सारी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. कहता है कि मीन्स सॉरी फॉर दैट, मीन्स द ऑथर Arthur here pardon himself. वो कहता है कि मैं मुझे माफ करना, मैंने जो बात की जो बिगिनिंग की थी वो कहीं से कहीं जो स्टार्टिंग थी बात की, मीन्स आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने जो बात कहीं से शुरू की थी एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और जो बात थी वो दूसरी दिशा में चली गई, है ना. जो हम बात कर रहे थे वो बात दूसरी दिशा में चली गई. इफ द स्टेट ऑफ मैसूर स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष वर द स्वीट कॉरिडोर इज टू ए फेस्टिव मील, देन होसाहली इज टू मैसूर स्टेट वर द फीलिंग टू द करीगाडोगू. मीन्स यहाँ पर जो करीगाडोगू जो वर्ड आया है इसका मतलब है करीगाडोगू मीन्स ए साउथ इंडियन स्वीट फील्ड विद कोकोनट एंड शुगर, फील्ड विद कोकोनट एंड शुगर. कहता है कि मैंने जो बात शुरुआत की थी, जो कन्वर्सेशन इन द वेरी बिगिनिंग जो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी, जो डायलॉग स्टार्ट हुआ था, वो कहीं से कहीं उसका वो तो दिग्भ्रमित हो गया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना. कहता है कि यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से संबंध है, देयर इज अ रिलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज इंडिया, भारतवर्ष से रिलेशन है उसका, तो व्हाट द स्वीट करीगाडोगू इज टू ए फेस्टिव मील. तो मीन्स इसका मतलब जो एक त्यौहार होता है दक्षिण भारतीय में, एक साथ साथ में एक भारतीय जो मिष्ठान बनता है करीगाडोगू से है, तो होसाहली मैसूर की जगह की उस जगह से है जो करीगाडोगू से भरे जाने वाले पदार्थ से है. करीगाडोगू में जो भरे जाने वाले पदार्थ उसमें क्या भरा जाता है, स्वीट और कोकोनट भरा जाता है, स्वीट और कोकोनट भरा जाता है, उससे मेरा ताल्लुक है, मैं बात कहने वाला हूँ. तो होसाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द करीगाडोगू, व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी. मीन्स आर्थर मेक्स क्लियर हियर, आर्थर इंसिस्ट हियर दैट व्हाट एवर आई एम सेइंग मीन्स दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, यू मस्ट बिलीव व्हाट आई एम आस्किंग यू. अब यहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स है, क्या वो कह रहा है, इसको समझने वाली बात है. What I have said is absolutely true. Believe me, I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. Miss Arthur makes clear that Miss whatever you are saying, Miss I am not objecting, I am not protesting of your question. Miss आप जो कह रहे हैं उसको मैं project Miss protest नहीं कर रहा हूँ, object नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस पर मैं कायम हूँ. The author is retained to his commitment. जो author ने जो commitment किया है वो उस पर retain है. कहता है कि but I will stick to my opinion. जो मेरी opinion है उस पर मैं अपना कायम हूँ. हर class से जरा attendance ले लेना, ये लोग आते नहीं हैं फालतू में, जो न बताते हैं वाइवा में कुछ न आते हैं. सुमित
क्लास अटेंड कर रहे हो तो अटेंडेंस जरा लीजिएगा, इनको पर जो है बाद में बात करते हैं। सुमित अभिमन्यु एंड वैश्य कुशवाहा इज प्रेजेंट, वंशिका जायसवाल, एनीबडी एल्स, आर अनुष्का तिवारी, एनीवन इज प्रेजेंट। ये लोग अटेंडेंस नहीं, अटेंडेंस लगवा चले जाएं, ना तो कोई अटेंडेंस ले लेना, कौन लेगा सी से, कौन अटेंडेंस लेगा। स्टेडे किसने ली थी अटेंडेंस? जो दूसरी आईडी से आए हैं वो अपना नेम जरूर लिख दें। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोबिंगली ऑफ होसा अली। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो होसा अली के विषय में बड़ा ही प्रशंसा पूर्वक के विषय में प्रशंसा कर रहा हूँ। मीन्स आई एम नॉट ओनली द पर्सन हु इज प्रेसिंग एंड एडमायरिंग द प्लेस ऑफ होसा अली। कहता है कि आई एम वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस इन नॉट ओनली माई सेल्फ बट ऑल्सो ए डॉक्टर, मीन्स ए डॉक्टर ऑल्सो प्रेस एंड एडमायर दिस प्लेस। मीन्स वो विल टेक अटेंडेंस फ्रॉम 11th सी, वो डिड टेक अटेंडेंस यस्टरडे, मतलब प्रीवियस डे। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। I am asking you that who did put attendance from 11C, of 11C, Anushka Tiwari or anyone? Vanshika Jaiswal, you can take attendance. You should write down the name of your class and send me. Vanshika Jaiswal, are you listening to my voice? You should write down the name of your class and send me after the class. And the 11th is Sumit R. Rahul Gupta, anyone is present, that one can write the name of his class. राहुल गुप्ता, आइदर राहुल आर सुमित। वी आर टॉकिंग दैट वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस इन नॉट मिस हिज नेम इज, उसका जो नाम क्या था, गुंडा भट्ट। नाम तो डॉक्टर का बड़े आराम से एक बार में याद हो जाएगा। मिस व्हाट इज द नेम ऑफ हिज डॉक्टर, राइट डाउन इन चैट द नेम ऑफ हिज डॉक्टर, गुंडा भट्ट। Means the author make clearing here that I am not only I but also doctor is also admiring the place of the place of Hosa Ali. He also agrees with me. He has been to quite a few places. He has been वो कई कुछ स्थानों पर रहा है, कई स्थानों पर घूम चुका है। He has been to quite, been to आता है ना, वो रहने के लिए आता है। He has been to quite a few places, कुछ स्थानों में रह भी चुका है। No, not England, केवल इंग्लैंड में नहीं। If anyone asks him whether he has been there, he says no, no Ananya, ये अनन्या क्या है? ये
A-double-N-A-double-Y-A, Ananya. This Ananya, what is Ananya? A respectful term for an elder. A respectful term for elders. I have left that वो इंग्लैंड भी नहीं है। यदि कोई उससे पूछता है कि क्या वो वहां पर घूमा है तो वो कहता था नहीं अनन्या। सम्मान सूचक है कन्नड़ शब्द में। अनन्या क्या है? ये रेस्पेक्टफुल वर्ड है, टर्म है, एल्डर्स के लिए यूज किया जाता है। नो अनन्या, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। तो वो क्या बोलता था? नहीं अनन्या, ये मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि आप मिस यूथ और सेल्फ कि मैं वहाँ पर घूमा हूँ या नहीं घूमा हूँ, ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो कहता है And I have left that to you. Running around like a flipestered. Flipestered means affected with a small insect that irritated. एक पिस्सू से प्रभावित। Flipestered means पिस्सू से प्रभावित। तो कहता है कि इसको मैं हिंदी में आप लोगों को बता दूँ तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टिपिकल है ये। I have left that to you. Running around like a flipestered dog. पिस्सू से प्रभावित एक डॉग, जैसे नहीं घूमता रहता है उसकी तरह से घूमना, इट इज नॉट फॉर मी, ये मेरी आदत में नहीं है। किसकी तरह से घूमना बोलो, चैट में लिखकर के बोलो डॉक्टर, किसकी तरह से घूमना बोल रहा है, किसकी तरह से घूमना उसको पसंद नहीं है। लोग बता पाएंगे? मिस डॉक्टर कह रहा है किसकी तरीके से हमको घूमना पसंद नहीं है। द फ्री पेस्टर्ड डॉग आंसर बाय राइटिंग मिस रनिंग अराउंड राइट ए फ्री पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी मिस यस फ्री पेस्टर्ड डॉग आदित्य मतलब जो है फ्री पेस्टर्ड मैंने अफेक्टेड विद स्मॉल इंसेक्ट दैट इरिटेट मतलब क्या है कि एक पिस्सू से प्रभावित जो डॉग होता है वो हमेशा घूमता रहता है, भागता रहता है, उस तरह से मैं मेरी आदत में नहीं, आई एम नॉट यूज टू, आई एम नॉट हैबिचुअल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। तो क्या कहता है? वो बात अलग की है, देख मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं। मिस डॉक्टर क्या कहता है कि यद्यपि मैंने अपने समय में बहुत जगह पर घूमा हूँ, दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी प्लेसेस। सच्चाई ये है कि इट इज ट्रू दैट ही हैज सीन मैनी प्लेसेस, ही विजिटेड मैनी प्लेसेस, दैट इज द अनदर पॉइंट। बट पेस्टर्ड डॉग्स तरह से घूमने की मेरी आदत नहीं है, मिस्टर डॉग की तरह से घूमने की आदत नहीं है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज। क्या कहता है कि वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो के ट्री हैं। कम विजिट अस, आओ और वहां घूमो, एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। और कहता है कि मैं तुम्हें उनमें से एक कच्चा आम खिलाऊंगा। रा रा रामिस कच्चा मैंगो, अनराइप मैंगो। आई विल गिव यू टू ईट अनराइप मैंगो। क्या कहता है? जस्ट आओ हमसे वहां पर मुलाकात करो, मैं तुम्हें अनराइप मैंगो खिलाऊंगा। ओके
not eat it, just take a bite. अच्छा इसे पूरा मत खाइएगा, केवल एक वन बाइट लीजिएगा. दीपक पाल ये क्या लिख रहे हो भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा. राम मैंगो, यस राम मैंगो के विषय में बातचीत हो रही. डू नॉट ईट इट क्योंकि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ राम मैंगो. राम मैंगो कौन खाता है भाई, बहुत कम, रेयर होगा तो खाता होगा. अनराइप मैंगो, राइप मैंगो तो सभी लोग खाते होंगे, है ना. द सॉरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर कहता है कि ब्रह्मात्मा कि उसका जो खट्टापन है ब्रह्मरंध्र में जाता है. कहता है उसका जो खट्टापन है, सॉरनेस है ना, वो सीधे जो है कहाँ जाता है, ब्रह्मरंध्र में. स्टेट द सॉरनेस एस ओ यू आर एन ई डबल एस एन है, द सॉरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, है ना. उसका जो खट्टापन है सीधे सीधे आपके ब्रह्मरंध्र में जाता है. आई वंस टुक वन सच टू होम एंड ए चटनी, तो सब लोग जानते होंगे ना चटनी, और चटनी वॉज मेड ऑफ इट. कहता है कि एक बार मैं ऐसे ही अनराइप मैंगो घर लाया, उससे चटनी बनी, ऑल ऑफ अस एट इट, और सभी लोगों ने, घर के सभी मेंबर ने उस चटनी को खाया. द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फूड. और हुआ क्या, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ईटिंग ऑफ चटनी, चटनी के खाने के बाद क्या हुआ, सभी ने इसे खाया. और कहता है कि आफ्टर टेकिंग द चटनी ऑफ द उस खट्टे कच्चे आम की चटनी खाने से ही क्या हुआ, सॉरनेस सबको जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, सॉरी कोल्ड नहीं कफ हो गया. उसके बाद में कहता है जुकाम की कफ की दवा लेने जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट. फिर डॉक्टर ने बताया कि ये जो आपने विशेष प्रकार का विशेष गुण वाले फल के विषय में डॉक्टर ने बताया कि जो आपने चटनी कच्चे आम की चटनी खाई है उसके कारण आपको कफ हो गया. जस्ट एज सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर प्लेस. कहता है जैसे ही उसने एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि एक मैंगो जो है एक स्पेशल थिंग है, ठीक उसी प्रकार से गांव में और भी सारी जो चीज़ें हैं, है ना, गांव में और भी सब जो सारी चीज़ें हैं, सो इज एवरीथिंग एल्स एवरीथिंग और भी वस्तुएं जो हैं अराउंड आवर विलेज दैट इज ऑल्सो स्पेशल. वी हैव ए पीपल गोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, जो गांव का तालाब है. पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब. हमारे गांव में जो हम एक पॉन्ड है, जो एक तालाब है, विच प्योर वाटर स्वच्छ जल वाला जो तालाब है, उसमें एक बेल उगती है. क्या उगती है, एक बेल, एक क्रीपर, अ क्रीपर ग्रोइंग, एक बेल उगती है. इट्स फ्लावर्स आर ए फीस टू बिहोल्ड, और इसके जो फूल होते हैं उसके फूल देखने में अत्यंत सुंदर लगते हैं. उस कहता है कि जो मेरे गांव में एक तालाब है उसमें एक बेल उगती है, उस बेल में जो फूल लगते हैं मिस दे अपीयर वेरी ब्यूटीफुल. बीच बीच में आप लोग चैटिंग से बताते रहे क्रीपर पांड में क्या क्या उगती है, व्हाट ग्रो इन द पांड ऑफ विलेज. पांड ऑफ विलेज में क्या उगता है, एक क्रीपर है. Get two leaves from the creeper when you go to the pond for your bath and you will not have to worry about not having leaves or which to serve the afternoon meal. Author यहाँ पर explain करता है, उसके फूल देखने में अत्यंत सुंदर होते हैं. जब तुम
Yes, creeper. Okay, okay. Yes, creeper, creeper, okay. जब तुम तालाब में स्नान करने जाओ तो कहता है कि बेल की दो तीन पत्तियां लेकर आना। तो मिस यू शुड नॉट बी सॉरी एंड वरी दैट यू डिडंट टेक मिस यू डिडंट टेक लीव्स इन योर लंच। मिस उसमें पत्ते लिए या नहीं, पत्ते लेने के मतलब जो भी नरिशमेंट लीव्स से मिलते हैं उससे तात्पर्य है। तो मिस कहता है कि वेन एवर यू गो टू फॉर बाथ इन द पॉन्ड तो वेन एवर मींस जस्ट यू शुड कैरी यू शुड फेच द टू लीव्स ऑफ दैट क्रीपर, उसकी दो पत्तियां जरूर लेकर के आइए उससे। एंड आफ्टर आन विश टू सर्व द आफ्टरनून मील, मील मींस भोजन होता है ना, दोपहर के बाद में जो भोजन करते हैं, तो आपको जो है जो आपने लीव्स ग्रीन लीव्स ली हैं कि नहीं इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, डू यू नो द मीनिंग ऑफ रैम्बलिंग, हैव यू लर्न द मीनिंग रैम्बलिंग। रैम्बलिंग मीन्स कोई बताएगा, जैसे आप लोगों ने कहा मीनिंग पहले से लिख चुके हैं, तो मीन्स हैव यू लर्न द मीनिंग्स, वॉट इज द मीनिंग ऑफ रैम्बलिंग, कैन यू टेल मी, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू टेल द मीनिंग ऑफ रैम्बलिंग, वॉट एवर इयर इज गिवन रैम्बलिंग, टॉकिंग इन कंफ्यूज नो, मूविंग इररेगुलरली, रैम्बलिंग मीन्स मूविंग इररेगुलरली मतलब क्या, अनियमित रूप से घूमने वाला, अनियमित रूप से घूमने वाला, मूविंग। आप लोगों ने मीनिंग लिख ली है ना, हैव यू रिटन मीनिंग, कंफ्यूज हो जाना नहीं, अनियमित रूप से घूमना। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहेंगे कि मैं इधर उधर मिस मूविंग इररेगुलरली, ताकि आप कहेंगे कि मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, इधर उधर की बातें विचरण कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग नॉट ए पर्टिकुलर पॉइंट बट मूविंग इररेगुलरली, इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, ये अक्सर होता है। इट इज ऑल्सो हैपन, इट इज ऑफन हैपन्स व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ माई विलेज कम, अक्सर ये जो मिस भटकाव हो जाता है, जो टॉपिक से हम लोग जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती है, द डायरेक्शन हैज़ बीन चेंज्ड, मिस डायलॉग इज गोइंग ऑन इन पर्टिकुलर पॉइंट बट वी लॉयटर बट वी मूव मिस टू द अदर डायरेक्शन, इट इज ऑफन हैपन्स व्हेन वी टॉक अबाउट आवर विलेज, जब हम अपने गांव के विषय में बात करते हैं तो ये अक्सर हो जाता है। बट एनफ, लेकिन ये बहुत हो गया, बट एनफ मिस बट इट्स टू मच सभी लोग जानते हैं, बताइए इट्स टू मच का मतलब क्या होता है, इट्स टू मच का मतलब क्या होता है, बट एनफ फिफ्टी परसेंट भी लोग नहीं है प्रेजेंट है, 20 से बहुत अब्सेंट है। बहुत हो गया, हाँ बहुत ज्यादा नहीं, हाँ बहुत हो गया, इट्स एनफ। इफ एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, drop me a line, I will let you know where Bhosahali is and what things are like here. कहता है कि आप में से कोई भी यदि अगर आप में से कोई भी यहाँ पर घूमने की इच्छा रखता है, भ्रमण करने की इच्छा करता है, रखता है, तो मिस रेडी
मुझे बताओ, मुझे लिखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि होसा अली कहाँ है और यहाँ किस प्रकार की चीज़ें हैं। इस द अदर आस्क टू एवरी वन इफ़ यू वुड लाइक टू लॉइटर, इफ यू वुड लाइक टू विजिट इन माय विलेज, राइट मी, आई विल रिसीव यू, आई विल मेक मेक फैमिलियर टू द आर्टिकल्स एंड बिलोंगिंग्स टू द पर्टिकुलर टू द स्पेशल थिंग्स ऑफ माई विलेज। तो आथर कहता है यदि आप मेरे गांव में घूमना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम अपने आपको रिसीव करेंगे, हम आपको गांव को घुमाएंगे और गांव की विशेष चीज़ों से अवगत कराएंगे। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री? कहता है किसी भी जगह को जानने के लिए, किसी भी जगह को जानने के लिए वहाँ पर विजिट करना बेस्ट रहता है। इफ यू लाइक टू नो समथिंग अबाउट एनी प्लेस देन व्हाट शुड यू डू? आदर सजेस्ट हियर दैट यू शुड विजिट, यू शुड वांडर टू दैट स्पॉट, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट अबाउट द थिंग्स, अबाउट द स्पेशलिटीज ऑफ दैट स्पॉट, दैट प्लेस, है ना। तो उसके विषय में ये बात है, यदि किसी भी स्थान के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको भ्रमण करना पड़ेगा। मिस डू यू एग्री, डोंट यू एग्री? क्या आप मुझसे सहमत नहीं है? डोंट यू एग्री? आथर आस्क्ड हियर दैट आर यू एग्री आर नॉट, आप मुझसे सहमत है कि नहीं? Passage has been completed. We pick up the third passage because it is very lengthy lesson. Then we have to complete passage to passage. तो हम लोगों ने इस passage में कितनी बातें pick up किया, कितनी बातें उसने कही, main बताइए। तालाब के विषय में बात की, आम के विषय में बात की, कैसा आम, किस तरह के आम के विषय में बात की, हर पैसेज में दो चार पॉइंट होते हैं जो प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ दिस पैसेज? द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट अनराइप मैंगो चटनी, इसकी बात की, अनराइप मैंगो चटनी, एंड व्हाट इज द टेस्ट ऑफ अनराइप मैंगो, है ना। एंड दिस ही टॉक्स अबाउट द पॉन्ड ऑफ हिज विलेज एंड व्हाट ग्रो इन द पॉन्ड, व्हाट ग्रो, पीपल एंड फ्लावर्स आर ब्लॉसम्ड इन द क्लीपर, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट अपीयर्स वेरी ब्यूटीफुल, एंड वेन एवर यू गो फॉर बाथिंग इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड देन यू हैव टू फेच, व्हाट शुड यू टू ब्रिंग, तुम्हें वहाँ से क्या लाना चाहिए? लीव्स, टू लीव्स, एट लीस्ट यू हैव टू ब्रिंग टू लीव्स, ये सब बातें कहेंगे। और आथर आपसे एक बात रिक्वेस्ट भी करता है कि इफ यू वुड लाइक टू वांडर इन माय विलेज देन राइट टू मी, आई विल रिसीव यू एंड आई विल मेक वांडर टू माय विलेज, आई विल टेल अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स एंड प्लेसेस ऑफ माय विलेज, ये सारी चीज़ें कही। और यहाँ पर एक सजेशन भी दिया है, what suggest in this passage, the author suggests that if you would like to know about any place then what should you do? You should wander up that place, you should visit to that place, and then you will be able to find out that what is the famous things relate to that place. Yes, when I am going to tell you समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago, आथर कहता है कि मैं जो तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ वो 10 वर्ष पहले ये बात घटित हुई थी।
अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये बात 10 वर्ष पहले घटित हुई थी. मिस दाथर इज गोइंग टू टेल समथिंग एंड ही एक्सप्लेन हियर दैट दिस थिंग हैज बीन हैपेंड एंड मिस 10 years ago, yes. We did not have many people who knew English. Means कहता है कि हमारे गांव में सॉरी तब हम लोगों में से बहुत कम लोग अंग्रेजी जानते थे. कहता है we did not have many people who knew English then. तब हमारे गांव में बहुत कम लोग अंग्रेजी जानते थे. अभी कौन से बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं. 10 years ago, हाँ तो मीन्स बहुत कम लोग अंग्रेजी जानते थे तब. आप तो अंग्रेजी जानते हुए भी नहीं जानते हैं. जानते हैं फिर भी नहीं जानते हैं क्योंकि अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते इसलिए अंग्रेजी नहीं जानते हैं. सबको इंग्लिश बोलना आना चाहिए लेकिन बोलने का प्रयास कोई नहीं करता है. Everybody would like to speak in English, but when you will try, when will you start to speak, then you will learn how to speak, how to write correct English. Otherwise not. Everybody has to make effort to learn how to speak or how to write correct English. So now the author tells here, now the author expresses here that our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. कहता है कि हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था, हमारे गांव में जो अकाउंटेंट था उसने जो है अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजने का साहस किया. लोगों को गांव से बाहर निकलने का साहस नहीं होता था. गांव के लोग गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, गांव से बाहर नहीं निकलते हैं. फिर मिस उस अकाउंटेंट ने, मेरे गांव के अकाउंटेंट ने अपने बेटे को कहाँ पर पढ़ने के लिए भेजने के लिए साहस किया. कहाँ पर पढ़ने के लिए भेजने के लिए साहस किया. राइट मी Yes, Bangalore. Very good. Yes, Bangalore पढ़ने के लिए भेजने का साहस किया. Yes. It is very strange. It is different now. Which it is very strange for the people of my village. It is very strange thing. It is very new work for the people of my village. कैसे का डिफरेंट बात थी. दे आर मैनी हु नो इंग्लिश. बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी जानते थे. ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. हाँ कहता है कि बहुत से लोग जो अंग्रेजी जानते हैं छुट्टियों के दौरान प्रत्येक गली में लोगों को अंग्रेजी में बोलते हुए पाओगे. छुट्टियों के दौरान अंग्रेजी में गलियों में बोलते हुए पाओगे. बहुत बड़ी बात है जो गांव की गलियों में छुट्टियों के दौरान अंग्रेजी में बोलते हुए पाओगे. दैट इज़ वेरी गुड थिंग. यहाँ शहरों की गलियों में कोई अंग्रेजी बोलता हुआ नज़र नहीं आता है. तब का गांव भी बढ़िया था. यस ड्यूरिंग द हॉलीडेज टॉकिंग दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉट डिड वी ब्रिंग in English words while talking in Kannada. कहता है कि उन दिनों हम अंग्रेजी में नहीं बात करते थे और ना ही कन्नड़ बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते थे. मिस व्हाट इज दैट. फिर क्या था. मिस दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश. कुछ लोग क्या थे उन दिनों हम लोग जो है इंग्लिश में नहीं बोलते थे. वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाई टॉकिंग इन कन्नड़. और जैसे कि हाँ वो ये भी बता रहा है जैसे कुछ लोग हैं जो अंग्रेजी में तो बोलते ही नहीं हैं. मिस ये अभी के समय में भी ये हैपन है.
wish it is also happening in the present situation. What happened? Means there are some people who never speak in English, and whenever he speaks in Hindi, never use English word in Hindi language. In Hindi, तो मतलब जब हिंदी भी बोलते हैं तो इंग्लिश का कोई शब्द ना आ जाए उनकी टॉकिंग में, उनके डायलॉग में, उनके कन्वर्सेशन में, इसका बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं। और फिर चाहत किसकी है? चाहत है कि हम अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें, अंग्रेजी बोलना शुरू कर। जब आप हिंदी में बात करते हैं तो इसमें बड़ा अलर्ट रहते हैं कि उसमें भी अंग्रेजी का कोई शब्द ना आ जाए ना। और फिर अंग्रेजी तो कैसे बोलोगे, अंग्रेजी फिर कैसे बोलोगे? What has happened is disgraceful, believe me. कहता है कि मेरा विश्वास करो, what ever happened, जो कुछ भी घटित हुआ वो disgraceful था। Disgraceful मतलब shameful, लज्जाजनक था। Means what ever happened, that is very shameful, disgraceful. So what is the meaning of disgraceful? What is the meaning of disgraceful? Do you know the meaning of disgraceful? Shameful. Believe me. The other day, I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. दूसरे दिन, मैं Rama Rao's के घर था जब वे रामा राव के घर पर था जब वे जलाऊ लकड़ी मिस जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठर लाए थे। इसका गट्ठर लाए थे अब बंडल ऑफ फायरवुड इसका गट्ठर लाए थे अब बंडल ऑफ फायरवुड लकड़ी जलाने का गट्ठर लाए थे। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का बेटा उसकी कीमत, उसकी जो कास्ट थी, उसका जो प्राइस था, वो देने के लिए बाहर आया। आस्क द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू। उसने वुमेन से पूछा कितना दूं। हाउ मच शुड आई गिव यू फोर पाई सी से। उस महिला ने क्या कहा? चार पाई। किसने पाई? हाउ मेनी पाइज? चार पाई। पहले जो है पैसे, अब तो रुपए, पहले पाई चलते थे ना, आना पाई है ना, ऐसे ये तो उस फायरवुड बंडल ऑफ फायरवुड की जो कास्ट थी वो चार पाई थी, चार पाइस। उसने कहा, बालक ने कहा, फिर उसने क्या कहा? द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। उसने कहा कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। क्या कहा? कि बालक ने क्या कहा? आई हैव नो चेंज। और उससे कहा कि अब तुम नेक्स्ट डे आना, कल सुबह आना और अपने पैसे ले जाना, क्योंकि टुडे आई हैव नो चेंज। एंड उसने जो है महिला से कहा, दिस यू शुड कम, यू हैव टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर योर मनी। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। अब उस रामा राव के लड़के ने क्या बोला? चेंज बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है, है ना। उसने उस महिला से बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है, कल तुम सुबह आना और अपने पैसे ले जाना। अब वो महिला चेंज का मतलब नहीं समझ पाई। द पुअर वोमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। नाउ आर यू फॉलोइंग? आर यू लिसनिंग? माई वॉइस इज ऑडिबल?
went away muttering. Muttering means होता है speaking lonely. Mutter, you know what is the meaning of यार? Okay. तो means what is the meaning of muttering? तो वो जो महिला थी, रामा राव के बेटे ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है, कल सुबह आकर के आप अपने पैसे ले लेना. तो वो महिला, वो poor woman, did not understand what is the meaning of change. And so she went away from that spot, that place, muttering. Muttering means speaking lonely something. अपने मन में बड़बड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए चली गई. क्या बड़बड़ाते हुए चली गई? I did not know. Later when I went to Ranga's house and asked him, कहता है कि वो बड़बड़ाते हुए चली गई, वो महिला बड़बड़ाते हुए चली गई. मैं भी नहीं जान पाया था. आथर कहता है मैं भी नहीं जान पाया. बाद में जब मैं रंगा के घर गया तो उससे पूछा कि मैं समझ गया कि इसका क्या मतलब. आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन. इट मीन्स द आथर इज आल्सो अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज. व्हाटएवर रामा राव सन यूज द वर्ड चेंज बिफोर दैट ओल्ड वोमेन. मीन्स दैट ओल्ड वोमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड. वो तो समझ ही नहीं पाई. बट द आथर इज आल्सो अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज. देन आफ्टर देन व्हाट हैपेंड, ही वेंट टू द रंगाज हाउस एंड आस्क्ड देयर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज. देन ही अंडरस्टूड दैट व्हाट अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ दैट वर्ड. व्हाट एवर मिस वर्ड्स वर्ड हैज बीन यूज्ड बाय रामा राव सन. तो ये होता है कि एक वर्ड इंग्लिश का ना आने से उसको एक वर्ड इंग्लिश का ये भी तक नहीं आता था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज. तो इस पैसेज में मुख्य रूप से क्या बात थी? इस पैसेज में था कि अकाउंटेंट ने अपने बेटे को बेंगलोर भेजा पढ़ने के लिए. फिर एक बड़ी शेमफुल बात घटित हुई, है ना. रामा राव ने एक बंडल ऑफ फायरवुड लिया. उसका पेमेंट करने के लिए रामा राव का बेटा बाहर गया और उसने फिर इंग्लिश वर्ड चेंज शब्द यूज किया कि मेरे पास चेंज नहीं है, कल आना. ये पैसेज, जो पैसेज में मुख्य बातें आती हैं वो आप लोग जो समझा करिए. उनको मिस यू शुड राइट डाउन एनी वेयर what is the principal points of this passage, then you will understand. Otherwise the lesson is very lengthy. How can you revise? This is the method means you can revise the entire lesson before the examination. What is the method, what is the trick and tips that whenever I am teaching you, then you should find out the principal points of the passage, each missing, each and every passage. So you, what should you do? Means you should do that first passage, then you should write down first passage dash principal points of the first passage. You should write down the second, the principal points of the second passage and the principal points of the third passage. So in this way, before exam, you will easily revise the entire lesson, because whenever you read the principal points. Only points, you will read the points by points, then you will recall and remind the entire story related of that, means of that passage. So means just I would like to tell you that every student must write anywhere to the principal points of each passage. Then you will be able to revise easily. Okay. So then I think that you are writing down. The priceless commodity
the English language was not so widespread in our village a decade ago. What is the meaning of decade? Decade के मतलब क्या होता है? Decade means बताइए. What is the meaning of decade? I told you previous classes. I told you in previous classes. 10 years. Yes, a period of 10 years. Okay. Yes, you are right. So means priceless commodity. Commodity means material. यहाँ पर commodity means क्या है? Material. Commodity. The priceless commodity. मतलब ये जो priceless material है, जो valuable material है, the English language. Valuable material क्या है? English language. English language है. Was not so widespread in our village a decade ago. मतलब means the author stated here that means this valuable material was not familiar, was not in practice in our village 10 years ago. 10 वर्ष पहले मेरे गांव में ये भाषा प्राइसलेस लैंग्वेज है. मैं बार बार इस बात पर स्ट्रेस कर रहा हूँ, प्राइसलेस. आथर भी कह रहा है कि ये लैंग्वेज क्या है? प्राइसलेस है, वैल्यूएबल है. आप लोग इस बात को समझ रहे हो क्या कि ये लैंग्वेज क्या है? प्राइसलेस है. कौन सी लैंग्वेज? आथर इज ऑल्सो सेइंग हियर दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी प्राइसलेस एंड वैल्यूएबल, बट it is not in our it is not in practice of our village 10 years ago. That is the point. He accepted, the author accepted this point and also admit that the English language is very valuable. So it means English language, everyone has to learn English language because it is very valuable and priceless. It is very valuable and priceless. Means you should also admit and accept this point that whatever the author is asking us that English language is priceless and valuable. People rush to his doorstep announcing. लोग जो है इसी कारण रंगा का घर आना एक बड़ी घटना थी. लोग दरवाजे में बुलाने के लिए भागते थे. क्यों क्यों बुलाने के लिए भागते थे? द अकाउंटेंट सन हैज कम. कि लेक पार्गो अकाउंटेंट का बेटा आ गया था. कहाँ से आ गया था? अकाउंटेंट का बेटा आ गया था. कहाँ से आ गया था? अकाउंटेंट का मिस लोग द पीपल ऑफ दैट विलेज आर कॉलिंग टू द पर्सन्स that the son of accountant has come. Let us go and meet him that there is a change. Yes, from Bangalore. Bangalore se aa gaya tha kyunki the accountant son has come. The boy had gone to Bangalore for his studies. Kyunki wo ladka jo tha, the son of accountant, went to Bangalore for his studies. इज हियर इट मीन्स यहाँ पर इसका ये मतलब है कि वो बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए गया था. द सन ऑफ अकाउंटेंट वेंट टू बेंगलोर फॉर व्हाट? फॉर हिज स्टडीज. ओके एंड कम रंगा इज हियर. लेट अस गो एंड हैव ए लुक. चलो मीन्स उससे मिलते हैं और let us go and have a look. चलते हैं और उससे उसको देखते हैं. Attracted by the crowd, I went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? Attracted by the crowd, भीड़ से आकर्षित होकर के. जहाँ पर क्राउड कलेक्ट हो जाती है, लोग रुक जाते हैं.
मतलब पीपल आर अट्रैक्टेड बाय क्राउड, वेयर देयर इज क्राउड देयर पीपल स्टैंड देयर एंड मेक द क्राउड यूज क्राउड टू मीन्स अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू आत्र कहता है कि मैं भी भीड़ से आकर्षित होकर के मैं भी वहाँ गया और वहीं कोर्ट यार्ड में खड़ा हो गया. कोर्ट यार्ड मीन्स क्या होता है? कोर्ट यार्ड मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट यार्ड? चलो बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट यार्ड. कोर्टयार्ड मीन्स क्या होता है? आंगन. यस निशांत, आंगन. कोर्ट कहता है मैं भी, यात्रा कहता है कि मैं भी भीड़ से आकर्षित होकर के मैं वहां गया और कोर्टयार्ड में आंगन में खड़ा हो गया एंड आस्क और पूछा, और मैंने लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पर ये सब लोग क्यों इकट्ठा है? व्हाई ऑल दीज पीपल कम? यहाँ पर ये सब लोग क्यों आए हैं? ये मैंने पूछा. देर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, है ना. यहाँ कोई तमाशा तो हो नहीं रहा, यहाँ कोई बंदर का तमाशा तो हो नहीं रहा कि सब लोग इकट्ठा हो गए यहाँ करके. ये सब लोग यहाँ पर क्यों आ गए भाई? आतन ने कहा कि भाई यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठा है? मीन्स देर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ कोई मंकी तमाशा तो कर नहीं रहा, फिर कैसे इकट्ठा हो गया ये लोग? ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड. एक लड़का जो वहां पर खड़ा हुआ था, एक बालक ने, वो ए फेलो बिना दिमाग की बात करते हुए, ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, बिना दिमाग की बात करते हुए, दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, उसने क्या कहा? ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड, वो बोला, ने क्या कहा एंड लाउडली बोला, लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन? उसने क्या बोला? एक जो लड़का था वहां पर खड़ा हुआ था, अब व्हाई हु इज आल्सो स्टैंडिंग देयर. जब आथर ने पूछा कोई यहां पर मंकी का, मिस मंकी इज नॉट परफॉर्मिंग हियर, कोई मंकी कोई तमाशा तो दिखा नहीं रहा, तो यहां पर क्यों इकट्ठा हो भाई सब लोग? तो जो लड़का खड़ा हुआ था उसने उनसे कहा, हेड से ना बहुत तेजी से बोला, लाउडली बोला, दैट बॉय क्राइड लाउडली, आस्क्ड लाउडली दैट व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर? जब यहाँ तब यहाँ पर कोई तमाशा नहीं हो रहा है, तब आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर? उसने, लड़के ने किससे कहा? आदर से कहा. दैट बॉय आस्क्ड द आदर कामा एंड नोटेड कामा, What are you doing here? If the monkey is not performing, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब कोई मंकी यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? Why are you standing here? Miss, what are you doing here? To remain standing here? उसने भी वैसे ही जवाब दिया. आथर से पूछा, Youngsters, immature and without any manner. उस लड़के ने, अच्छा एंगेस्टर्स जो होते हैं वो अपने ईगो में रहते हैं, एंगेस्टर वो भी गांव का एंगेस्टर, एसन ऑफ मिस ऑफ दैट विलेज, गांव का एंगेस्टर तो और अपने ईगो में रहता है ना. वो बिना मैनर के पूछा, बिना एटिकेट के पूछा. उस बारे आथर तो उससे बड़ा था ना, मतलब ठीक उसने कह दिया था तो उसी लैंग्वेज में बोला, वो टोन की बात होती है ना, उसी लैंग्वेज बोला. मीन्स एंगेस्टर इमेच्योर अपरक्वक एंड विदाउट एनी मैनर, बिना कोई एटिकेट सैक्रामेंट कल्चर के, किसी डिसिप्लिन के, बिना मैनर के वो भी बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? थिंकिंग दैट ऑल दिस थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट. उसने भी अपरक्वक तौर पर ये विचार करते हुए कि ये बीती बातें हैं, फिर मैं शांत हो गया. मतलब आथर ही शांत हो गया. आथर के यही बुद्धिमानी थी, क्योंकि जो इमेच्योर है,
जिसके पास अपरिपक्वता है, मेच्योरिटी नहीं है, जिसके अंदर एटिकेट नहीं है, जिसके अंदर मैनर नहीं है, द वन हु हैज नो सैक्रामेंट, द वन हु हैज नो कल्चर, मिस आप दैट पर्सन शुड नॉट आर्गू और डिस्कस, वी शुड कीप क्वाइट एंड लेट हिम टू स्पीक वट एवर ही इज स्पीकिंग. Miss, it is the wise, Mr. Buddhimatta, it is the wisdom. If you control your tongue, you stop your tongue. If you are quiet, keep quiet, then you are wise. So Miss Arthur also did this job, that he forgot whatever immature, in manners son asked him, that what are you doing here? Okay. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. और बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो गए भाई, seeing so many people there, वहाँ पर जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, उसको देख करके रंगा मुस्कुराते हुए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए बाहर आया. Who came out from house? Ranga. Had he all gone inside? कहता है कि यस रंगा, यस यस, अब इसमें देखो कंडीशनल सेंटेंस है. हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव turned into what people call the black hole of Calcutta. अब had he कही, देखो had भी लिखा है ना, ये जो had भी लिखा है इसका मतलब है if we had, ये into had से sentence start है, लेकिन ये interrogative नहीं है, इस बात का ध्यान रखना. ये पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस है. इफ वी हैड को आप हैड बी भी लिख सकते हो. अगर लोग भागने लगे हैं, यही लास्ट पैसेज है, इसको फिनिश करके ही क्लास को करेंगे. तो ये था कि हैड बी ऑल गॉन इनसाइड, यदि ये जो है सभी लोग घर के अंदर आ जाते, हैड बी के जिकल तो इफ वी हैड, कि हम सभी लोग सब अंदर चले जाते, पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस है. दोनों तरफ ता निकलता है तो पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस होता है. तो द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू, तो वो जो घर के अंदर का भाग जो था वो किसमें बदल जाता है. यदि ये सभी लोग अंदर चले जाते तो घर का जो भाग था इनसाइड वो किस तरह से बदल जाता. कलकत्ता के ब्लैक होल की तरह से चेंज होता है. व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, इसे कलकत्ता के ब्लैक होल को पुकारते हैं. बेटा वहाँ पर बड़ी डेंस पॉपुलेशन है. तो कहता है यदि ये सभी लोग अंदर चले जाते, यदि हम सभी लोग अंदर चले जाते तो इस तरह से स्थान हो जाता. कलकत्ता का हाँ ब्लैक होल की तरह से स्थान हो जाता. ओके, थैंक गॉड इट डिड नॉट, वो भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ. थैंक गॉड इट डिड नॉट, ऐसा नहीं हुआ. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द
सेम एज यस बीन 6 months ago. सभी लोग सरप्राइज थे. किस बात को लेकर के सरप्राइज थे? मिस वाई द पीपल ऑफ दैट विलेज इज सरप्राइज? वाई द पीपल ऑफ दैट विलेज आर सरप्राइज? वहाँ के लोग क्यों सरप्राइज थे? When they meet Ranga, there's no change. नहीं 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 नहीं, no change in Ranga. वो जो है, क्योंकि वो बेंगलोर से 6 महीने के बाद में पढ़ाई करके वापस आया, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया. ऐसा नहीं है कि शहर वाली सब वो आ गया हो, उसके हवा नहीं लगी, बच गया है. नो चेंज ऑफ रंगा इन द लैंग्वेज, नॉट ओनली लैंग्वेज बट ऑल्सो मैनर. मैनर और एटिकेट में कभी चेंज नहीं आना चाहिए, चाहे आप सिटी में जाए या मेट्रोपॉलिटन सिटी या फॉरेन में. अपनी कल्चर, वी शुड नॉट फॉरगेट अवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन. वी शुड ऑलवेज रिटेन अवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन. रंगा पहले ही जैसा था. यस, कहता है कि एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, एवरीवन वाज शॉक्ड एंड स्टंट टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago. जैसा वो 6 महीने पहले था, वैसा ही 6 महीने बाद है. मिस नो चेंज इन रंगाज बिहेवियर. ऑथर मेक्स क्लियर हियर दैट नो चेंज इन रंगाज बिहेवियर मिस व्हाट ही वाज 6 months ago इन द सेम ही वाज एट प्रेजेंट. नो चेंज इन हिज बिहेवियर. उसके व्यवहार में, उसके एटिकेट में, उसके मैनर में कोई चेंज नहीं है. ठीक है. When he had first left our village, वहाँ के पीपल क्या कहते हैं? कहते हैं कि मिस जब उसने 6 महीने पहले गांव छोड़ा था, है ना, जिस तरह से वो छोड़ा था, जिस तरह से वो गया था, ठीक उसी तरीके से है. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said. एक बूढ़ी महिला, एक वृद्ध महिला जो रंगा के पास ही खड़ी हुई थी. एन ओल्ड लेडी हु वाज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड रंगा, जो ठीक रंगा के पास में खड़ी हुई थी, उसने अपना हाथ उसके चेस्ट पर रखा नहीं. ही डिड नॉट पुट हिज हैंड ओनली बट रैन, मतलब चेस्ट पर रख करके एक तरह से टटोलने वाला काम किया, देखना चाहा कुछ. क्या कुछ देखना चाह रही थी वो? रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर अपना हाथ फिराया, मतलब हाथ रनिंग, मिस हर हैंड इज रनिंग ओवर अपान हर सॉरी अपान हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर हाथ को रनिंग कर रही थी. इस तरह से वो क्या ढूंढ रही थी? यस, लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, उसने अपनी आंखों से देखा और कहा, द जनेऊ इज स्टिल देयर. वो जो सेक्रेड थ्रेड था, जो थ्रेड सेरेमनी हुई ना, जनेऊ संस्कार, जो जनेऊ पहने हुए था जब वो यहाँ से गया था, तो जनेऊ सेक्रेड थ्रेड पहने हुए था. यस, वो जनेऊ द सेक्रेड वॉर्न बाय ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं, वो जब जनेऊ जो पहन के गया था वो अभी है. तो मतलब ये नहीं है कि शहर चला गया तो जनेऊ उतार करके फेंक दे. तो इसका मतलब क्या है? वो 6 महीने के लिए बेंगलोर पढ़ने गया, लेकिन अपने कल्चर को, अपने मैनर को, अपनी संस्कृति को, जिसको कल्चर बोलते हैं, है ना, कल्चर और कस्टम को रिटेन रखना, मेंटेन रखा. मिस ही डज नॉट फॉरगेट द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ हिज विलेज, है ना, वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल नहीं गया. ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, है ना, और वो अपनी जाति को उसने खोया नहीं. ही डिड नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, मतलब वो अपनी जाति को, जो अपने उस में एटिकेट और जो उसका कल्चर और सिविलाइजेशन था, वो उसको उसने बनाए रखा. She went away soon after that. Ranga laughed.
और ये देख करके इसके उपरांत आफ्टर दैट दैट ओल्ड वोमेन रैन अवे वेंट अवे फ्रॉम दैट स्पॉट व्हेन ही चेक्ड द सेक्रेट थ्रेड आफ्टर देन शी वेंट अवे फ्रॉम दैट स्पॉट शी सेटिस्फाइड दैट ओल्ड वोमेन ऑफ दैट विलेज मिस दैट ओल्ड वोमेन ऑफ दैट विलेज सेटिस्फाइड दैट यस मिस माई सन ऑफ माई विलेज रिटेन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन मिस आफ्टर गोइंग हर रंगा लॉक्ड जब रंगा हंस पड़ा इस बात से रंगा वो हंस पड़ा मिस हंसा वो है ना कि वाई रंगा लॉक्ड रंगा हंस पड़ा कि ओल्ड लेडी जो थी वो क्या चेक करने आई थी और कैसे सेटिस्फाई हो करके वो गई है ना। तो ये पैसेज के प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या हैं आप लोग जरा चैट में लिख करके भेजें एडवांस व्हाट इज द प्रिंसिपल पॉइंट्स ऑफ दिस पैसेज सेंड मी इन चैट। सभी लोग चैट में लिख करके भेजें इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल पॉइंट आए गैदरिंग हुई द इंसिडेंट ऑफ ओल्ड वोमेन सेटिस्फाइड बाय चेकिंग बाय रनिंग हर हैंड ओवर अपॉन द चेस्ट ऑफ रंगा थ्रेड। तो तीन चार पॉइंट होंगे ना केवल सेक्रेट थ्रेड ही है क्या पूरे पैसेज में केवल सेक्रेट थ्रेड है क्या ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता ये भी तो पॉइंट है ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कंडीशनल सेंटेंस जो आया था इफ वी हैड एंटर्ड रंगास होम कमिंग सेक्रेट थ्रेड। अच्छे बात पे नो आंसर नो सर मतलब What would you like to say? What do you want to say? After the end of the class, you student with the one who is allotted for the attendance sent me attendance. तो इस तरह से क्लास को फिर यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन अभी हम भेजेंगे एज ए होमवर्क मैं क्वेश्चंस भेजूंगा उसके आंसर आप लोगों को लिखने होंगे एंड यू शुड फाइंड आउट द आंसर व्हाटएवर आई टॉट टुडे इन क्लास। तो टुडे आई सेंड यू सम क्वेश्चन आई क्रिएट सम क्वेश्चंस बिफोर यू and then you should find out the answer and tomorrow we will discuss and they send me attendance because very few students are present that should not be every should take benefit of this live class I hope that whatever I taught here every student has followed well every student understood very well
Have a nice day, all of you.